Dear students, in today's genetics class, we will focus on meiosis 1. You know, meiosis is a process where a single cell divides twice to produce four cells containing half the original amount of genetic information. These cells are our sex cells. स्पर्म इन मेल्स एंड एग्ज इन फीमेल सो हाउ टू डिफाइन मे ऑफिस द सेल्युलर और न्यूक्लियर प्रोसेसिस क्रोमोसोमल कंटेंट पर न्यूक्लियस फ्रॉम टू सेट्स टू वन सेट्स ठीक है कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं द सेलुलर और न्यूक्लियर प्रोसेसिस अब सेलुलर या न्यूक्लियर प्रोसेस कौन कौन सा है जैसे कि रियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ठीक है जो क्या करते हैं रिड्यूस क्रोमोसोमल कंटेंट पर न्यूक्लियस फ्रॉम टू सेट्स टू वन सेट डिप्लाइट से हेपलाइट बनाते हैं जैसे कि मैंने बात की कि गेमीट फॉर्मेशन में हमारे सेक्स सेल्स में जैसे कि स्पर्म इन मेल्स और एग्स इन फीमेल्स इसी तरीके से बनते हैं वहां पर जो क्रोमोसोमल कंटेंट है उन सेल्स में वो टू सेट्स है मतलब डिप्लाइट से haploid बन जाते हैं ठीक so in है उसको हम क्या कहते हैं? इट इज रिफर्ड टू एज cell जो है ये ठीक है इफ है? a सेल with वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विद वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ठीक है टू सेट्स की मैं बात नहीं कर रहा वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इफ इट गोज ऑन टू प्रोलीफरेट ठीक है

हेप्लाइड क्रोमोसोम्स है और उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है ठीक है तो उसको हम इस किस्म की जनरेशन को डिवीजन को प्रोलिफरेशन को हम क्या कहते हैं गेमिटोफिटिक जनरेशन और ये फंजाए फर्न और प्लांट्स में इस किस्म का इस किस्म के ये जो गेमिटोफिटिक जनरेशन है में पाया जाता है ठीक है सो मेनी वेरिएशन इन द मियोटिक प्रोसेस है वैल्यू टू स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स वेरिएशन अगर हम देखें तो म्योटिक प्रोसेस में बहुत सारी वेरिएशन है अगर हम ओवरऑल एनिमल किंगडम में देखें तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ हमें जो वेरिएशन है वो मिल जाएंगी ठीक है ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले नेक्स्ट स्लाइड में अच्छा मियोसिस के अगर हम टाइप्स uh, देखें या हम ऑर्गेनिजम्स को मियोसिस के बेस पे इनकी ग्रुपिंग करना चाहें तो हम थ्री ग्रुप्स में उन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं या इसी तरह भी हम कह सकते हैं कि मियोसिस के हमारे पास थ्री मेन टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं गेमीटिक और टर्मिनल मियोसिस अच्छा ये गेमीटिक या टर्मिनल मियोसिस कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है दिस ग्रुप इंक्लूड ऑल मल्टीसिलर एनिमल्स एंड मेनी प्रोटेस्ट हम सारे और हमारे साथ जो बाकी के मल्टीसिलर एनिमल्स है वो सारे उन सारों में गेमेटिक या टर्मिनल मियोसिस होता है ठीक है और कुछ प्रोटेस्ट में भी ऐसा होता है सो so, यहां पे क्या होता है कि मियोटिक डिविजन आर क्लोजली लिंक टू द फॉर्मेशन ऑफ द गेमिट्स हमारी बॉडी में मियोसिस आप सबको पता है कि कौन से सेल्स में सिर्फ जो जर्म सेल्स है जो कि सेक्स सेल्स है जैसे कि स्पर्म और या ओवा ठीक है या एग्स वहां पे ये प्रोसेस होता है बाकी सेल्स में माइटोटिक प्रोसेस होता है ठीक है सो मियोटिक डिविजन आर क्लोजली लिंक टू द फॉर्मेशन ऑफ द गेमिट्स किन ऑर्गेनिज्म में मल्टीसिलर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स और ये जो गेमिटिक या टर्मिनल म्यूसिस है इसमें क्या होता है कि डिवीजन, इसको किसके साथ लिंक किया गया है अगर हम यहां पे पे मेल मेल वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स की बात करें, so meiosis just prior to the differentiation of the में meiosis किस टाइम होता है? इट अकर जस्ट प्रायर टू दिफ्रेंशियन ऑफ स्पर्मेटोजोवा स्पर्मेटोजो आपको पता है वो

वो डिफरेंशियटिंग प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं और वही स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं अब शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो हमारे पास टाइप ए पेल सेल्स है या टाइप ए पेल स्पर्मेटोगोनिया वो जब न्यू स्पर्मेटोजोवा बनाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन टाइम जो है फॉर मेच्योर ह्यूमन वो सेवेंटी डेज है ठीक है सो so, यहाँ पे हम खैर वो प्रोसेस डिटेल में नहीं जाते सो so, क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है

ल जिसको हम स्पर्मेटोजोवा कहते हैं ये तो मेल वर्टिब्रेट की बात हो गई फीमेल में होता है फीमेल वर्टिब्रेट में उम बीट ठीक है उठ वो क्या होता है वो फिर एंटर हो जाता है into extended ये हम इस पर बात करेंगे कि यह प्रोफेज में कौन से स्टेज में ज्यादा टाइम गुजारता है ठीक है ये आगे इन जब हम आ, उसकी तरफ जाएंगे स्टेज की तरफ तो वहां पे हम ये पढ़ेंगे कि फेज में कौन से स्टेज में ये ज्यादा टाइम गुजारता है ठीक है so, सो ऊ उसके बाद क्या करता है इट इंटर एक्सटेंडेड म्यूटिक प्रोसेस ड्यूरिंग दिस प्राइमरी ग्रोज ठीक है इट बिकम फिल्ड विद यॉक एंड अदर मटीरियल आफ्टर द डिफ्रिशिएशन इज कंप्लीट सो फिर म्यूटिक डिविजन हो जाता है अगर हम वर्टिब्रेटिक्स की बात करें सो दे आर टिपिकली फर्टिलाइज एट ए स्टेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस उसको हम कहते हैं मेटाफेज टू ठीक है अभी मियोटिक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ मियोटिक टू प्रोसेस स्टार्ट है और मेटाफेज टू में जब सेल uh, होता है तो उस टाइम इसकी फर्टिलाइजेशन होती है व्हेन द स्पर्म रिजाइड्स इन द एक साइटोप्लाज्म तो फिर वो मियोसिस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है ठीक है टाइप ऑफ मेसिस है उसको हम जयटिक या इनिशियल मियोसिस कहते हैं ठीक है इसमें होता क्या है कि मियोटिक डिवीजन आकर जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता क्या है एक्चुअली कि हमारे पास हेप्लाइड गेमीट्स बन जाती हैं जैसे कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है ठीक है आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हेप्लाइड गेमीट बन गई हैं ठीक है, है? यहाँ पे और यहाँ पेड गेमीट बन गई हैं तो हेप्लाइड बन गेमिट तो बनने के बाद वो क्या करते हैं ठीक है ये दे फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट वो जायगोट बनाते हैं आपको नजर आ रहा है ठीक है फिर उस जायगोट में मियोसिस होता है मियोसिस के बाद ठीक है फॉलोड बाय द माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म अ अइड एडल्ट ठीक है और इस किस्म का जो मियोसिस है ये अल्जी फंजाई एटसेट्रा इनमें पाया जाता है सो so, फिर ये जो इंडिविजुअल स्पोरोफाइट है जो आपको नजर आ रहा है ठीक है ये क्या करता है म्योटिक डिवीजन अक्कर जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस हेप्लाइड स्पोर्स ये क्या बनाते हैं हेप्लाइड स्पोर्स बनाते हैं ठीक है सो दीज हेप्लाइड स्पोर्स दे अगेन डिवाइड बाय मोटाइसिस टू प्रोड्यूस अ हेप्लाइड एडल्ट जनरेशन ठीक है हेप्लाइड एडल्ट जनरेशन सो कंसिक्वेंटली जो डिप्लाइड स्टेज है लाइफ साइकिल का इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ ब्रीफ पीरियड ऑफ फर्टिलाइजेशन इंडिविजुअल आप देखें तो जो डिप्लाइड स्टेज है वो बिल्कुल वो ब्रीफ टाइम के लिए, तो लिए यह जो जैगोटिक या इनिशियल मियोसिस है ये होता है ठीक है थर्ड टाइप है उसको हम कहते हैं स्पोरिकट मियसिस या इंटरमीडिय मियोसिस ठीक है ये एक मियोसिस जो है ये स्किन एनिमल्स में पाया जाता है इट अकर्स ओनली इट अकर्स ओनली इन प्लांट्स एंड समल ठीक है सो मियोटिक डिवीजन अकर एट ए स्टेज अनरिलेटेड टू अदर गेमीट फॉर्मेशन आर फर्टिलाइजेशन प्रीवियस स्लाइड में जब हमने मियोसिस की बात की तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ब्रीफ पीरियड के लिए ये मियोसिस प्रोसेस होता था उनमें यहाँ पे इट अकर एट ए स्टेज अनरिलेटेड टू अदर टू गेमीट फॉर्मेशन

स्पोर्स क्या करते हैं विच जर्मिनेट डायरेक्टली इन टू अप्लाइडोफाइट ठीक है तो स्पोरिक मियोसिस में या इंटरमीडियरी मियोसिस में होता क्या है मल्टी सिलर डिप्लाइड स्पोरोफाइट आपको ये डिप्लाइड एंटिटी नजर आ रही है ना सो जयगोड जो है फ्यूजन ऑफ द गेमीट जयगोट आपको नजर आ रहा है ब्लैक में ये माइटोटिकली डिवाइड करता है किस लिए तो प्रोड्यूस अ मल्टीसेल्यूलर डिप्लोइड स्पोरोफाइट और ये जो स्पोरोफाइट है फिर ये स्पोर्स बनाता है मियोटिकली यहाँ पे सिर्फ वो मियोसिस प्रोसेस होता है व्हिच आल्सो देन डिवाइड माइटोटिकली तो यहाँ पे ब्रीफ पीरियड के लिए है लेकिन इट इज नॉट आइदर रिलेटेड टू गेमिट फॉर्मेशन नॉर फर्टिलाइजेशन ठीक है सो so इस किस्म के मियोसिस को हम स्पोरिक या इंटरमीडियरी या इंटरमीडिएट मियोसिस कहते हैं और ये प्लांट्स और कुछ अल्जी में इस किस्म का मियोसिस होता है ठीक है अ मियोटिक डिवीजंस जो है मतलब मियोसिस की तो हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कि किस प्रोसेस को कहते हैं ठीक है सो द सेल्स इन व्हिच मियोसिस अकर्स उनको हम मियोसाइट्स कहते हैं अगर हम मियोटिक डिवीजंस को डिवाइड करना चाहें तो ब्रॉडली हमारे पास टू uh, टाइप्स है मियोटिक डिवीजन के एक को हम कहते हैं हेट्रोटेपिक डिवीजन ठीक है और दूसरे को हम कहते हैं डिवीजन हेट्रोटेपिक डिवीजन को हम मियोसिस वन या रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं क्यों क्योंकि इसमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू हाफ ठीक है सो इट रिजल्ट्स इसका रिजल्ट क्या है मियॉसिसन के रिजल्ट में क्या होता है इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टू हेप्लाइड सेल्स फ्रॉम वन डिप्लाइड सेल ठीक है? है, है, की की अगर एक की अगर अगर एक एक हम बात करें, so, एक cells है, हमारे पास two cells बन जाती हैं, और अगर two cells, uh, two cells है, तो फिर उसमें से बन जाएंगी, ठीक है? सो हेटोटेपिक डिवीजन को हम रिडक्शनल हैं, रिडक्शन वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि इसमें जो actual number of chromosome है, वो रिड्यूस हो जाता है इन टू हाफ सो चूंकि इसमें आप देखें तो हेट्रोटिपिक डिवीजन वर्ड क्यों यूज करते हैं इसके लिए यहाँ पे जो पेरेंट सेल्स है और जो डॉटर सेल्स है दोनों में जो क्रोमोसोम नंबर है ठीक है वो डिप्लाइड से हो गए हैं ठीक है इसी वजह से यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं डिवीजन ठीक है तो हेट्रोटिपिक डिवीजन वो है जिसको हम रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं जिसमें एक्चुअल क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू हाफ ठीक है और एज ए रिजल्ट ऑफ हेटोटिपिक डिवीजन इट हमारे पास दो हेप्लाइट सेल्स बन जाती हैं एक डेप्लाइट सेल्स है दूसरा जो टाइप है डिवीजन का उसको हम कहते हैं होमोटिपिक डिवीजन मियोसिस टू भी कहते हैं या इक्वेजनल सेल डिवीजन भी कहते हैं क्यों इक्वेजनल इसलिए कहते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पेरेंट सेल्स में होता है इट रिमेन द सेम एज आफ्टर मियोसिस वन ठीक है सो so, यहां पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस नहीं होता बल्कि वैसे ही रहता है जो स्टार्ट में जैसे ही इसको मिल जाता है एट द द स्टार्ट ऑफ ऑफ प्रोसेस मेयोसिस टू तो वही डॉटर सेल्स में जो सेल्स सेल्स में में है वही क्रोमोसोम नंबर डॉटर भी होता है इसी वजह से होमोटेपिक डिवीजन को हम इक्वेजनल सेल डिवीजन भी कहते हैं अच्छा पहले हम हेट्रोटेपिक मोटिक डिवीजन या मियोसिस वन की बात करते हैं तो अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें अब हेट्रोटेपिक मायोटिक डिवीजन या मियोसिस वन को तो हमारे पास बेसिकली टू पार्ट्स है इसके एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस तो कैरियोकाइनेसिस में होता क्या है इट इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस कैरियन फॉर न्यूक्लियस सो इट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस और इसके स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 टेलोफेज 1 और एनाफेज 1 ये कैरियोकाइनेसिस 1 मतलब जो मियोसिस वन में कैरियोकाइनेसिस होता है ये उसके स्टेजेस है और साइटोकाइनेसिस वन क्योंकि वो तो यहाँ पे बहुत ब्रीफ होता है फिर भी हम इसको नाम दे देते हैं क्योंकि वहां पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है सो इट इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इन सारे स्टेजेस को हम वन बाय वन डिटेल से स्टडी करते हैं अच्छा प्रोफेज वन इट इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 90% ऑफ द मियोटिक प्रोसेस ये जो टाइम है मियोसिस का उसमें 90% वो प्रोफेज वन में स्पेंड करते हैं सेल्स ठीक है अगेन ये जो प्रोफेज वन है इसको हम फाइव सब फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं वो फाइव सब फेजेस कौन से हैं लिप्टोटीन जिसको हम लेप्टोनिमा भी कहते हैं जाइगोटीन या जाइगोनिमा पेकाइटीन डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस ये फाइव सब फेजेस है प्रोफेज वन के तो चले हम लिप्टोटीन या लिप्टोनिमा से स्टार्ट करते हैं ये ग्रीक वर्ड से है लिप्टोमीन तो so, कौन कौन से इवेंट्स इस स्टेज में या इस सब फेज में हो सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टर फॉर्मेशन टेक्स्ट प्लेस अब एस्टर को एस्टर क्यों कहते हैं बिकॉज इट इज शेप्ड लाइक अ स्टार इट इज स्ट्रक्चर शेप्ड लाइक अ स्टार ठीक है

को हम कहते हैं क्रोमोमेयर शायद आप लोगों ने सुना होगा कि क्रोमोमेयर को हम इडियोमेयर भी कहते हैं ठीक है? So so है, है, है ये एक्चुअली वो या इस स्टेज में अपियर हो जाती हैं इस लिप्टोटीन या लिप्टोनिमा में और क्या होता है जो सेल वॉल्यूम है न्यूक्लियस का इट इंक्रीजेस

ठीक है हमें एक क्रोमोसोम जो है वो मदर से है एक फादर से है सो वन क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर दे कम्स फ्रॉम द मदर ठीक है उसको हम मेटर्नल क्रोमोसोम कहते हैं एंड वन कम्स फ्रॉम द फादर जिसको हम पेटर्नल क्रोमोसोम कहते हैं लेकिन ये जेहन में रख लें होमोलोगस क्रोमोसोम सिमिलर तो है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है ठीक है इसका क्या मतलब है दैट ईच कैरीज द सेम जीन्स इन द सेम ऑर्डर ठीक है बट द एलील्स फॉर ईच ट्रेट मे नॉट बी द सेम

कि जो जीन है फॉर पॉट कलर ठीक है ऑन द मेटर्नल क्रोमोसोम ये येलो अलील हो सकता है द जीन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम इसी ट्रेड के लिए दैट माइट बी द ग्रीन अलील तो ये जहन में रख ले कि होमोलोगस क्रोमोसोम सिमिलर तो है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है अच्छा जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि क्रोमोसोम दे कंटिन्यू टू कंडेंस होमोलोगस क्रोमोसोम दे पेयर अप इनकी पेयरिंग हो जाती है एंड दे बिगिन साइना Synapses, क्या है इट इज क्लोज पेयरिंग एसोसिएशन क्या है इट एसोसिएशन यहाँ पे जो होमोलॉगस है आपको नजर आ रहा है फोर so, है कि नहीं है हाँ जी बिल्कुल फोर है सो इट कंसिस्ट ऑफ फोर क्रोमेटिक्स इसको हम कहते हैं अटेट्रॉड या बायोलेंट ठीक है यहाँ पे जो पेयरिंग है वो देखें आप ये एक जैसे कि जिप में होता है जिप, है ठीक so पेयरिंग so जो जो हम बात कर रहे थे कि uh, इनमें हो जाती है so ये जो जो है synapses जो है या इट इज हाफ टू टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल्स ठीक है अगर सेल में लिट से, हमारे पास चार क्रोमोसोम है ठीक है तो डिप्लाइड सेल की मैं बात कर रहा हूँ लिट से तो नंबर ऑफ बायोलेंट कितने होंगे टू सो तो यहाँ पे ईच बायोलेंट इज फॉर्म ऑफ वन पैटर्नल एंड वन मेटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है सो तो बायोलेंट या टिट्रॉड बन जाता है बायोलेंट या टिट्रॉड क्या है ठीक है इट कंसिस्ट ऑफ फोर क्रोमेटिड जिसको हम कहते हैं टेट्रॉड आपको नजर आ रहा है, जो है इसकी फॉर्मेशन भी शुरू हो गई है तो ये जो प्रोसेस है साइन एप्स का ये जायोटीन या जाएगोनीमा में होता है साइनोटोनिमल कम्प्लेक्स की हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे डिटेल से So, अगर हम अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखें सो so, ये जो साइन ऑप्टोनिमल है ये किन के बीच देखा गया है इट इज सीन बिटवीन द होमोलॉगोसोम और ये भी जहन में रख लें जो प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि जयगोनीमा में ये साइनाप्सिस का प्रोसेस होता है सो so, ये जो जायोगिमा में प्रोसेस होता है साइनाप्सिस का इट इज ड्यू टू दमेशन ऑफ साइन ऑफ्टोनिमल यहाँ पे जो आपको

मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहां पर भी होंगे ये यहाँ पर ठीक है सो so, यहाँ पे एस वाई सी पी वन आपको नजर आ रहा है ठीक है एस वाई सी पी वन इस पे मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा एस वाई सी पी वन क्या है इट स्टैंडोनिमल कंप्लेक्स प्रोटीन वन ये वो प्रोटीन है जो कि एक जीन को कोड करता है ठीक है वो जीन क्या करता है वो प्रोटीन क्या करता है ये जो एस वाई सी पी वन है

ठीक है एक दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपको नजर आ रहे हैं ईच वन एसोसिएटेड विद द पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स इन अ ट्रांसवर्स फिलामेंट जैसे कि हमने बात की वो ऊपर हमने बात की इस पे इट इज लोकेटेड बिटवीन द साइनेप्स साइनेप्सोमलोगस क्रोमोसोम ठीक है अब ये जो प्रोटींस है इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है एसवाईसीपी1 फॉर एग्जांपल अगर इस जीन के लेट्स से इसमें अगर म्यूटेशन हो जाए ठीक है इट इज़ एसोसिएटेड मेल इनफर्टिलिटी एंड कैंसर तो मेन रोल है अगर ये खुदा नख्वास्ता अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो कॉम्प्लेक्सिटीज या जो डिजीज़ है ये जो मैंने बात की मेल इनफर्टिलिटी की और टेस्टिकुलर कैंसर ये हो सकता है मेल में अच्छा थर्ड uh, वन जो स्टेज है हमारे पास उसका हम कहते हैं पेकाइटीन या पेकाइनीमा विच इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यहाँ पे पहले हम एक, एक जो सिस्टर और नॉन सिस्टर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर आगे जाएंगे अब देखेंड में टू सिमिलर क्रोमेटे सेम क्रोमोसोम कार्ड सिस्टर क्रोमेटिक और अगर हम नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम को देखें एंड दोन दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम आर कार्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिक्स तो सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिक्स में क्या फर्क है आपको पर्पल में नजर आ रहे हैं ठीक है पर्पल में और ग्रीन में जो क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं ठीक है सो so, इसमें आप देखें टू सिमिलर क्रोमेटेड है एक ही क्रोमोसोम के तो एक ही क्रोमोसोम के अगर क्रोमेटेड है और उनको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटेड और जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटेड उसको हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिक ठीक है तो दोनों में ये फर्क है अब ये यहाँ पे जो दिखाया गया है

ये हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में दे आर कनेक्टेड एट दीज पॉइंट्स ऑफ एक्सचेंज इन पॉइंट्स ऑफ एक्सचेंज को हम क्याजमा क्याजमेटा कहते हैं ठीक है क्याजमा का रोल क्या है कि इट होल्ड दी होमोलॉगस क्रोमोसोम टुगेदर एज ए बायोवेलेंट अनटिल एन ऑफ वन ठीक है अच्छा इस स्टेज में हमारे पास जो रिकम्बिनेशन नॉड्यूल्स है एक्सचेंज हो गई ठीक है सिगमेंट्स की वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं

फॉर्मेशन ऑफ गैप्स इन द निक कौन करता है फॉर्मेशन ऑफ गैप्स ये न्यूक्लियस करता है और जो सेपरेशन है क्रोमेटेड सेगमेंट्स की बिटवीन दीज गैप्स ये हमारे पास एक प्रोटीन है यू प्रोटीन या अनवाइंडेज तो वो अनवाइंडेज सेपरेशन ऑफ क्रोमेटेड सेगमेंट्स करता है और फिर एक एंजाइम है उसको हम कहते हैं आर प्रोटीन या री अनिल री अनिल जो है एंजाइम या प्रोटीन ये क्या करता है ये करता करता है या करता है या तो प्रोसेस को हम स्टेज में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं, में देखते हैं वहाँ पर फिगर है तो आपको और अच्छी तरीके प्रीवियस स्लाइड में मैंने बात की रिकम्बिनेशन को कौन सा हाइपोथेसिस अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है ब्रेकेज एन रीयूनियन हाइपोथिस 1937 में डार्लिंगटन ने प्रपोज किया था ठीक है सो so, आपको इस फिगर में आपको क्या नजर आ रहा है कि एक क्रोमोसोम पेयर है उसके टू मेंबर्स हैं, वो शो हुए हैं एक में आप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से दिखाए गए हैं दूसरे पे अलील्स स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी से दिखाए गए हैं तो इट मींस के ये जो आपके पास क्रोमोसोम पेयर है ईच केरी डिफरेंट अलील ठीक है बिकॉज दलील्स कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी चूंकि ये सेम मॉलिक्यूल ऑफ डी एन ए पे मौजूद है सो so देदर to ठीक है ये एक साथ रहेंगे सो इफ दिंग इनहेरिट्स अलील कैपिटल ए फ्रॉम वन पेरेंट सो यूजली ये कैपिटल बी और कैपिटल सी अलील मतलब इसको मिल सकता है राधर देन स्मॉल बी एंड स्मॉल सी क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे है लेकिन अगर रिकम्बिनेशन हो जाए तो क्या होगा? जो है, है, जैसे कि कि में हमने बात की निकिंग होती क्रोमोसोम है, करते हैं। कैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि दैट पार्ट ऑफ वन होमोलोगस पार्टनर अब अगर हम देखें, स्मॉल so फ्रॉम वन पेरेंट ठीक है अच्छा अच्छा फोर्थ वन जो सब फेज है प्रोफेज वन में डिप्लो विच मीन टू ठीक है, diplo, means है? Nema means तो इस स्टेज में क्रोमोसोम जो है दे टू सेट या डी साइनासिस को हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम की डी साइनासिस शुरू हो जाती है वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं ठीक है और एट द प्लेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर वहां पे एक क्रॉस स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम कहते हैं क्या ठीक है सो अ क्रॉस स्ट्रक्चर इज फॉर्म एट दी प्लेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिक्स और ये जो सेंट्रोमेयर है पेयड क्रोमोसोम्स के दे मूव अ पार्ट इस फिगर में आप देखें तो ये सेपरेट होना शुरू हो गए हैं ठीक है और होमोलोग होमोलॉग जो है दे आर अटेजमा क्या आपको ये क्रॉस नजर आ रहा है ठीक है स्ट्रक्चर सो so, एक बायोवेलेंट में एटलीस्ट वन ये जरूर बनेगा ठीक है इट इज इज वन इन ईच अच्छा डिप्लोटीन फेज के बारे में कहा जाता है कि ये जो सब फेज है इट इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ दोफेज वन अगर आपको याद हो फर्स्ट सेकंड स्लाइड में हमने पढ़ा था कि प्रोफेज वन जो है 90 of cell जो टाइम है वो प्रोफेज वन में वो लेता है ठीक है का का जो जो है है। है है। वो वो में करता तो फिर और उइट के बारे में कहा जाता है कि दे कैन लास्ट फॉर मंथ्स आर ईयरस इन डिप्लोटीन फीमेल ह्यूमन फीमेल में होता क्या है कि मियोसिस जो है एटकर्स इन थ्री डिफरेंट स्टेजेस ठीक है

फाइनली रिकम्बिनेशन भी हो जाती है इस एग में और जो सेल्स है दे आर देन अरेस्टेड इन डिप्लोनिमा और फिर वो एक हाइबरनेशन स्टेट में चले जाते हैं ठीक है उस हाइबरनेशन स्टेट को कहते हैं डिकट ठीक है सो ड्यूरिंग द फर्स्ट अरिस्ट ये जो अरिस्ट है ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल सेल्स है प्राइमोडियल फॉलिकल सेल्स यू नो ये क्या करेंगे दे विल अल्टीमेटली प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन प्रॉपर फॉर द एग प्राइमोडियल सेल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। They begin to develop. ठीक है? फर्स्ट अरेस्ट में ठीक है और फिर यहाँ पे और दूसरे start, में हमने बात की थी ठीक है सो ड्यूरिंग फर्स्ट अरेस्ट ये प्राइमोडियल फॉलिकल सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल सेल्स जो है जब ये बन जाते हैं तो फिर ये सेल को प्रॉपर एनवायरमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ठीक है अच्छा ये जो प्राइमोडिल फॉलिकल सेल्स है ठीक <coughs> है कि at birth, मैं फीमेल ह्यूमन फीमेल की बात कर रहा कि बर्थ ये फुली फॉर्म्ड होती हैं लेकिन दे रिमेन क्वाइट अंटिल द फीमेल रीच इज सेक्शुअल मेच्योरिटी ठीक है इन एडोल वंस करेट हार्मो आर प्रोड्यूस बाई दे पिचरी ब्रेन ठीक है जब वो प्रोड्यूस कर देता है करेक्ट हारमोनिकल प्राइमोडियलिकल ठीक है ये तो वैसे बन गए थे डिवेलप हो गए थे लेकिन मेच्योरेशन के लिए ये इंतजार करेंगे करेक्ट हारमोन्स का की जब वो पिच्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करें ठीक है तो ये क्या करेंगे ये मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं और फिर क्या करेंगे दे विलउंड एग सेल So, ये जो डेवलपमेंट है ठीक है सराउंडिंग so एक सेल्स मेच्योरेशन है ये, अगर एक सर्ज हो, में, usually, अगर शायद आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ल्यूटिनाइजिंग हारमोन जो है ये निक्रीज हो जाते हैं सो मियोसिस प्रोसेस अब रिज्यूम होगा

मतलब ये जो स्टार्ट में हमने बात की अभी फर्स्ट स्लाइड्स की मैं बात कर रहा हूँ सॉरी सो ये जो हाफ है ये क्या बनाएंगे दे विल दे विल बी रिलीज एज ए पोलर बॉडी रादर देन फॉर्मिंग एनदर एग ठीक है अब uh, शायद आपको ये गेमिटोजेनेसिस वाला प्रोसेस याद है सो एट दिस पॉइंट एग जो है इट विल बी रिलीज फ्रॉम द ओवरी फॉर फर्टिलाइजेशन और डी डिपेंड करता है अगर लिट से फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो स्पर्म जो है इट विल ट्रिगर द लास्ट स्टेज ऑफ मियोस इन द एग इस जैसे कि हमने बात की थी कि मेटाफेज 2 में ये अरेस्ट हुआ है अभी तो so, ये चूंकि ये फाइनल सेल डिवीजन के बाद हमारे पास दो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है दे आर रिड्यूस्ड टू अ सिंगल हेप्लाइड जीनोम और जो अदर है वो सेकंड पोलर बॉडी बनाएंगे सो आफ्टर मियोसिस 2, जो एग है इट विल हेप्लाइड जीनोम के साथ ये क्या करेगा पैकेज होगा

आप लोगों के लिए कि ह्यूमन फीमेल में में प्रोसेस कैसे अरेस्ट होता है और किस किस टाइम पे ये म्यूसिस प्रोसेस होता है ठीक है अच्छा आ, जो हमारे पास प्रोफेज वन का लास्ट स्टेज है इसमें होता क्या है कि जो क्या था जो क्रॉस स्ट्रक्चर बना था वो अब क्या करेगा दे विल मूव टूवर्ड द ऑफ द क्रोमोसोम यहाँ पे आप देखें तो वो टुवर्ड क्रोमोसोम वो मूव कर गए इसको हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन जो क्रोमोसोम कंडेंसेशन थी इट विल कंटिन्यूज क्रोमोसोमल कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली खत्म हो गया न्यूक्लियर मिम्रेन और न्यूक्लियोलस जो है दे विल डिजेनरेट ठीक है और फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर स्पेंडल ड्यूरिंग दिस स्टेज और आप इसको फिगर में आपको नजर आ रहा है कि ये जो न्यूक्लियर मिम्ब्रेन है ठीक है उसमें वो डिजेनरेट हो गया ठीक है वो, वो ब्रेक हो गया फॉर्मेशन ऑफ अकर्स इसके अलावा जब ये यह कंप्लीट हो जाता है तो सेल कहां पे जाएगा इटव मेटाफेज दिन में आप देखें जो बायोवेलेंट है दे आर ऑर्गेनाइज अलॉन्ग दी मेटाफेज प्लेट ठीक है और जो टर्मिनल क्या प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की दे होल्ड होमोलॉग्स टुगेदर आपको शायद इन फिगर्स में नजर आ रहा है ठीक है सो so, यहाँ पे होता क्या है आप देखें कि जो आपके पास सिस्टर है पेयर ऑफ सिस्टर रो देखें आप रादर देन ए सिंगल रो जो माइटोसिस मै, में होता है माइटोसिस में सिंगल रो है ना यहाँ पे आप देखें वो डबल रो में है इसके अलावा जो सिस्टर क्रोमेटेट की अरेन्जमेंट है इसको हम डाइट भी कह सकते हैं सो so, ये ये जो अरेंजमेंट है ये random है डबल रो में भी ये random है ठीक है आप ब्लू और रेड को देखें सो विद रिगार्ड टू द ब्लू एंड रेड होमोलॉग्स देखें तो ये रैंडम random है Randomly arranged है और जो सिस्टर का एक पेयर है आप देखें वो इट इज लिंक टू वन ऑफ द पोल्स और जो होमोलॉगस पेयर है इट इज लिंक टू द अपोजिट पोल नजर आ रहा है

होमोलॉग के साथ अटैच होते हैं न कि सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ ठीक है एनाफेज वन uh, कब स्टार्ट होता है इट इज मार्क्ड बाय द सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो दो क्रोमोसोम्स हैं दे आर पुल्ड अपार्ट टुवर्ड अपोजिट पोल आपको इस फिगर में नजर आ रहा है ऑल्दो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं उनके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है दे रिमेन अटैच्ड एंड ट्रेवल टुगेदर ठीक है रिमेन अटैच्ड एंड

को कहते हैं। और एक साथ डिस्कस करते हैं ठीक है सो so, वन में होता क्या है टू फॉर्म क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स न्यूक्लियर तो बन जाता है स्पेंडल फाइबर जैसे पेयर हो जाते हैं अब न्यूक्लियस को आप देखें तो ईच न्यूक्लियस इज नाउ हेप्लाइड ठीक है सिस्टर क्रोमेटिड जो है दे आर नो लॉन्गर आइडेंटिकल क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो गई है ठीक है अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और आपके पास फोर हेप्लाइड डॉटर सेल्स बन जाएंगी ठीक है तो ये था टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस वन टेलोफेज वन और साइटोकाइनेसिस वन इंटरकाइनेसिस वो पीरियड है बिटवीन एंड इट और नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है इंटरकाइनेसिस में होता क्या है कि जो सेंट्रियोल्स है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं और कुछ प्रोटीन्स है जिनकी सिंथेसिस होती है लेकिन यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होता क्योंकि सेल्स जो है दे आरप्लाइड लेकिन डीएनए कंटेंट अब भी क्या है इज इज्लाइड थैंक्स फॉर वॉचिंग आप लोगों के क्वेश्चन को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा थैंक यू